तो आइए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो है कुछ बदलाव किया गया है और इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे कि आप लोग को जो है PMMY भी जो है आप लोग ऑनलाइन करवाते थे और लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट आप लोग को जो है 5,000 जाती थी, तो इसमें जो है आप लोग को बदलाव किया गया है और आज ही का लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में हम लोग जानेंगे क्या इसमें जो है नए शर्त दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, 10/4/2023 का ये लेटर जारी किया गया है और इसमें जानेंगे इसमें क्या बदलाव हुई है। सबसे पहले देखिए कि ये जो है आप लोग को लेटर ICDS से डायरेक्ट आप लोग को जो है जारी किया गया है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार। उसके बाद आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे विषय में, यानी कि मिशन शक्ति, यानी कि अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हुई बदलाव के संबंध में, यानी कि जो है आप लोग को जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना में जो है हुआ बदलाव, इसलिए आप लोग को जानना अनिवार्य है। जैसे कि देखिए आप लोग को इससे पहले भी आप लोग को मार्गदर्शन जो है मिल गया था, जैसे कि एक लेटर जारी की गई थी 17/3/2023 को। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे महाशय उपरोक्त विषय प्रासंगिक पद के संबंध में कहना है कि, यानी कि आप लोग इस तरह से जो है मिशन शक्ति अंतर्गत मातृ वंदना योजना के जो है PMMY भी के बेहतर यानी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जो है आवेदन की प्रविष्टि की प्रक्रिया एवं पोर्टल में बदलाव किया गया है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी इससे पहले आप लोग को जो है अप्लाई किया जा रहा था, यानी कि जो है PMMVY, यानी कि जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो है उस पोर्टल पे जो है आप लोग को बदलाव किया गया है। जैसे कि देखिए कि आप लोग को जो है पोर्टल के संबंधित में पहले जानकारी लीजिए। सबसे पहले पोर्टल के संबंधित बदलाव क्या हुआ है, यानी कि आप लोग देख रहे हैं योजना अंतर्गत, यानी कि जो है पहला बार माँ बनने वाले गर्भवती महिला को जो है, यानी कि जो है जो पहली बार जो है माँ बनेगी उनको जो है 2 किस्तों में जो है 5,000 की राशि यानी कि जो है लाभ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए आप लोग देख रहे होंगे जो गर्भवती महिला होंगे उनको जो है डायरेक्ट आप लोग को जो है 5,000 आती थी, यानी कि इस तरह से जो है आप लोग को जो है अब जो है पोर्टल पे बदलाव किया गया है, वो 5,000 जो है आएगी उसमें जो है 2 किस्तों में जो है आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे द्वितीय शिशु, यानी कि मान लीजिए कि अभी जो है आप लोग देख रहे थे एक गर्भवती पर जो है एक ही बार जो है आप लोग को 5,000 मिलती थी, उसमें जो है अगर आप लोग को दूसरा भी बच्चा जन्म लेती है तो आप लोग को जो है 6,000 रुपया दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए ये 6,000 रुपया दिया जाएगा कैसे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे द्वितीय शिशु को जो है कन्या होनी चाहिए, यानी कि जो है लड़की होनी चाहिए, ठीक है। अगर लड़की होती है तो उनको जो है 6,000 की राशि जो है 1 किस्तों में दिया जाएगा। जितना आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि आप लोग ने जो है पहले क्या करते थे, लड़की हो या लड़का हो आप लोग को एक ही किस्त में जो है आप लोग को 5,000 दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अब आप लोग को जो है दूसरा शिशु अगर होती है लड़की, उसको जो है आप लोग को 6,000 दिया जाएगा, वो भी कैसे एक ही किस्तों में जो है लाभ दिया जाएगा गर्भवती महिला को, वो भी आप लोग को जो है पंजीकृत कराना आवश्यक होगा, ठीक है। यानी कि जो है गर्भवती महिला को जो है पंजीकृत करानी होगी। उसके बाद आगे देखेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो है भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जो है जिलावार लक्ष्य इस पत्र के साथ संकलन कर भेजा जा रहा है, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है भेजी जा रही है। जैसे कि देखिए PMMVY यानी कि जो है 2.0 हेतु नया पोर्टल लागू किया गया है, जिसे यानी कि इसका URL अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं PMMVYNIC.in। उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे नए पोर्टल हेतु क्रम से, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी होंगे जो DNO, उसके बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी होंगे SO, महिला पर्यवेक्षिका यानी कि जो है LS दीदी होंगे और आंगनबाड़ी सेविका होंगे जैसे कि FF का, इनका जो है लॉगिन ID एवं पासवर्ड जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को ईमेल के माध्यम से जो है भेजा जा रहा है, यानी कि इनको जो है ईमेल ID द्वारा जो है आप लोग को भेजा जाएगा लॉगिन ID पासवर्ड। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है आंगनबाड़ी सेविका के लिए, जैसे कि देखिए विभागीय यानी कि जो है विभागीय स्तर पर जो है आवेदन की प्रविष्टि अपडेट यानी कि जो है आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा जो है किया जाएगा। तत्पश्चात जो है आप लोग को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा जो है सत्यापन एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जो है अनुमोदन किया जाएगा। इस तरह से जो है आप लोग देख रहे होंगे कि इसके बाद आप लोग को जो है विभागीय स्तर पे जो है आप लोग को प्रविष्ट किया जाएगा, अपडेट जो है आंगनबाड़ी सेविका द्वारा जो है किया जाएगा। इसके पश्चात आप लोग को जो है महिला पर्यवेक्षिका और उसके बाद आप लोग को जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि जो है ऑफिस से जो है अनुमोद किया जाएगा।
उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि आगे आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग को पैसा जो है आप लोग को जिला स्तरीय भुगतान जो किया जाएगा वो आप लोग को जो है FMS के माध्यम से जो है आप लोग को किया जाएगा। उसके बाद जो है महिला पर्यवेक्षिका को जो है लॉगिन आईडी लाभुक के पंजीकरण लाभुकों को वितरण के संबंधित अपडेट करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो है महिला पर्यवेक्षिका का जो है लॉगिन आईडी का लाभुक पंजीकृत यानी कि इनका जो है लाभुकों के वितरण संबंधित अपडेट करने प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे नए पोर्टल पर जो है लाभुकों द्वारा भी जो है आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो है लाभुकों द्वारा जो है अपडेट यानी कि जो है आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे आवेदन पे जो है मोबाइल नंबर देना अनिवार्य हो गए। उसके बाद आप लोग को लाभुकों का जो है आधार कार्ड एवं जो है खाता संख्या भी देना अनिवार्य होगा। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पात्रा लाभुक होंगे यानी कि जो जिनको मिलेगा उनके लिए आप लोग को यहाँ पे दिख रही होगी पत्रा लाभुक होंगे जो जिनका जो है वार्षिक यानी कि जो है वार्षिक परिवार का आय जो होगा 8 लाख से कम होनी चाहिए। मनरेगा जॉब कार्ड जो है होंगे यानी कि उनको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो किसान निधि अंतर्गत लाभुक होंगे उनको, श्रम कार्ड लाभुक होंगे उनको, प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के लाभुक होंगे उनको भी, और उसके बाद BPL राशन कार्ड धारी लाभुकों को भी आप लोग को इस तरह से जो है दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है लाभुकों को जो है आप लोग दे सकते हैं। और आगे आप लोग देखेंगे तो आंशिक रूप से जो है पूर्ण रूप से दिव्यांगज होंगे उनको भी आप लोग दे सकते हैं। देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला दे सकते हैं, उसके बाद गर्भवती महिला एवं धात्री जो है आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, आशा हो, इन सभी को भी आप लोग दे सकते हैं। इस तरह से जो है आप लोग देख रहे होंगे भारत सरकार द्वारा जो है इस तरह से जो है अब तक प्राप्त निर्देश आलोक में उपयुक्त किया जा रही है। इस तरह से जो है आप लोग देख रहे होंगे और जो भी काम होंगे इस तरह से जो है आप लोग देख रहे होंगे भारत सरकार से जो है समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देश के संबंध में जो है आपको जो है अवगत कराए जाएंगे। इस तरह से जो है आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग देख रहे हैं अतः निर्देश दिया जाता है कि योजना अंतर्गत पात्र लाभुकों का पंजीकरण दिए गए निर्देश अनुसार जो है अनुसार हृदयता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग का ये लेटर जारी किया गया है जिसमें आप लोग इस तरह से जो है देख रहे हैं कि आप लोग को जो है जो भी यानी कि अभी से आप लोग को मान लीजिए कि आपने जो है एक गर्भवती महिला को जो है ले लिए हैं, अगर उनका जो है दूसरा बच्चा होती है यानी कि जो है कन्या यानी कि जो है लड़की अगर होती है तो आप लोग फिर से आप लोग दूसरा फॉर्म भरिए, आप लोग को जो है 6,000 रुपया जो है फिर से आप लोग को मिलेगी। उसके बाद आप लोग को जो भी काम है वो आप लोग सही समय पे आप लोग सभी आंगनबाड़ी सेविका कीजिए। बाद बाकी वीडियो में इतना ही, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।